Good morning, students. As you know that I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In previous chapter, we discussed about the importance of communication in our daily life and the different matter of communication. Today, we will discuss our new session, communication barriers. The first, we discuss about the barriers. What is barrier? Barrier. A barrier is effective communication is any factor, individual, situational or environmental that prevents the receivers from receiving and understanding the message accurately. बैरियर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है और इन्वायरमेंटल हो सकता है, जो हमारे रिसीवर को मैसेज समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एज यू नो, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर जो ब्रेकर्स होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है, या पुलिस बैरिकेडिंग करती है, बैरिकेड लगाती है रोड पर, वो वर्क क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं रोकने का, आपकी स्पीड को कम करने का और आपको रोकने का. ऐसे ही हमारा काम जो वर्किंग है, बैरियर की वर्किंग भी यही होती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको इफेक्ट करते हैं. वो आपका सिचुएशनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है. इन प्रीवियस क्लास मीन्स 9th क्लास we read the three types of barrier: individual barrier, situational barrier and environmental barrier. But in this present class, in 10th class, we have three types of barrier. First reason is barriers related to the formation of message. Related to the formation of first one is barrier related to the formation of message. When we build any message, जब भी हम कोई मैसेज का बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, गठन करते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में, बनाने में हमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी होती है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज बैरियर्स. लाइक एज हम कौन सी होती है हमारे यहां पर, लेंथ एंड कॉम्प्लिकेशन. अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन, मैसेज को फॉर्मेट करने में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्स्ट हो सकता है हमारा लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, सेकेंड लॉजिस्टिक इश्यू, लॉजिस्टिक इश्यूज मींस हमारे जो लैंग्वेज है वो हमने किस भाषा का लैंग्वेज का यूज किया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. थर्ड वन इज इनकंसिस्ट ऑफ टोन और नॉन वर्बल. असंगत स्वर, यानी कि जब हम कोई बात कर रहे होंगे तो हमारा जो लैंग्वेज टोन है वो हमारी गलत हो सकती है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एज यू नो दैट नॉन वर्बल मींस द फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स, वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकती हैं. तो वी हैव
three methods to related barrier related to the formation of mast. Now, second. Second one is the internal barrier. Those barriers, internal barrier, those barriers which are related to our state of mind, and some others internal issues are called internal barriers. यानी कि जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं या हमारे अंदर के जो कंसिस्टेंसी होती है उससे रिलेटेड होंगे. माइंड से जो हमारा मन, मन हमारे कई बार क्या होता है कि हमारा जो मन नहीं लगता है कम्युनिकेशन करने को, दैट्स कॉल्ड द इंटरनल बैरियर. कौन कौन से हो सकते हैं हमारे इंटरनल बैरियर के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम बात करें. Distractions, distrust. कम्युनिकेशन होता हो रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है जिससे कि हमारा प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं होता है. सेकंड इमोशनल बैरियर. Internal barrier. Now we will discuss our third is external barrier. External barrier occur due to the factor we have no control over and are outside our body and mind. Means जो हमारे outside situational जो हमारे body के बाहर से बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल बैरियर. लाइक एज नॉइज, बाहर कोई व्हेन टू पर्सन कम्युनिकेट एंड द नॉइज इज आउटसाइड सो कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज द रिसीवर इज नॉट रिसीव प्रॉपर मैसेज एंड अदर अदर डिस्ट्रक्शंस. And next one is the physical barrier. Between communicator. Physical barriers, जैसे कि हमारे जो situational barriers होते हैं जैसे कि net connectivities वगैरह जो होती है हमारी फिजिकल बैरियर के अंदर आती है जिसके बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है. तो दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स. फर्स्ट वन इज द बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. सेकंड वन इज इंटरनल बैरियर्स. थर्ड वन इज द
external barriers. Now we will discuss about the overcomes from these barriers. First one is the overcoming barriers related to the formation of the message. हम formation of message के barriers कैसे हम बाहर आ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा होगा keep it simple. जितना सिंपल हमारा मैसेज होगा उतना ही फॉर्मेशन पे प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड वन इज यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज. हमें करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. थर्ड वन इज द एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज. Appropriate body language for non-verbal communication. हमारी अगर appropriate body language होगी तो non-verbal communication में हमें जो barriers अगर आ रहे थे हो रहे थे वो नहीं होंगे. Clear? Now internal barriers. Be sensitive. Develop trust. Keep your emotion in check. Respect other. Now, how do we overcome our coming external barrier? External barrier से हम कैसे कर सकते हैं? तो using proper communication channel. External barrier. Using proper communication channel. हमें जो external barrier है उनको कम करने के लिए proper communication channel use करना. And use emojis while texting. हमें emojis like facial expression को हमें यहाँ पर text के साथ साथ लिखना चाहिए. Scene feedback. हमें जो कम्युनिकेटर रिसीवर है हमारा जो पार्टनर है कम्युनिकेशन में उसके जो फीडबैक है उसको भी माइंड में रखना चाहिए. नाउ चैप्टर कंप्लीट. ओके थैंक यू. हैव अ गुड डे.